नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। एक और नई भर्ती का अपडेट। तो चिकित्सा विभाग ने 8वीं भर्ती विज्ञप्ति जारी कर दी है। अब तक जो 7 वैकेंसियां जारी हुई हैं उनमें नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, साइक रेडियोग्राफर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, डेंटल टेक्नीशियन, नेत्र सहायक और 8वीं जो भर्ती है वो भी यहाँ पर जारी कर दी है ECG टेक्नीशियन की। 22 जून से फॉर्म भरे जाने हैं साथियों। मेरिट बेसिस पर यह भर्ती रहने वाली है। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, ये देखिए ECG टेक्नीशियन भर्ती 2023 संक्षिप्त विज्ञप्ति, और सिफू के द्वारा ये जो वैकेंसी है निकाली गई है साथियों, और सिफू ने ये 8वीं भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। अब किस आधार पर चिकित्सा विभाग सीफू को लगातार इन भर्तियों की विज्ञप्तियां दे रहा है, किस आधार पर उन्होंने ये टेंडर किया है कि 8 भर्तियां एक ही भर्ती एजेंसी को दे दी गई, वो ऐसी भर्ती एजेंसी जिसके पास खुद का पर्याप्त स्टाफ तक नहीं है, बहुत कम लोग सीफू में काम करते हैं, उसके बावजूद भी चिकित्सा विभाग यहाँ पर सीफू को ये भर्तियाँ जो है लगातार दे रहा है। ठीक है, तो सिफू किस तरीके से इन भर्तियों को पूरा कराएगा ये सिफू जाने, विभाग जाने और आने वाला वक्त जाने। लेकिन यहाँ पर 8वीं भर्ती विज्ञप्ति जो है सिफू को दे दी गई है। सिफू अर्थात राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान सरकार का एक सरकारी संस्थान है सिफू, उसके द्वारा 8वीं वैकेंसी ECG टेक्नीशियन जिसमें 241 पद, इससे पहले ये भर्ती काफ़ी 2018 में भी आई थी, उसके बाद भी एक वैकेंसी है और तीसरी भर्ती पिछले 5 सालों में ECG टेक्नीशियन की ये भर्ती आप लोगों की आ चुकी है। 241 पद हैं। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है साथियों 22 जून से शुरू होंगे। ठीक है, 22 जून से शुरू होंगे 21 जुलाई तक। ठीक है, 21 जुलाई तक इसके जो फॉर्म है चलने हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, सिफू की जो वेबसाइट है उस पर फॉर्म भरना होगा। ये तो हो गई पदों की बात, 241 241, काफ़ी कम कंपटीशन है इसमें, कोई मारामारी नहीं होगी ECG टेक्नीशियन में। एक बार की तो ऐसा हुआ था कि इसमें पोस्ट भी खाली रह गई थी, ECG में ऐसा भी होता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके लिए क्या है, देखिए ECG टेक्नीशियन आप लोग देखें पे लेवल 8। ठीक है, तो यहाँ पर 18,500 इसमें प्रति माह जो है वेतन मिलने वाला 2 साल तक। ठीक है साथियों, कितना मिलेगा, 18,500 रुपया 2 साल तक, यानी NM के बराबर इसमें वेतनमान दिया जाएगा। ठीक है साथियों, और इसमें ओल्ड पेंशन भी आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। अब दोस्तों इसकी योग्यता मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखिए क्या है, सीनियर सेकेंडरी इन साइंस विद आइदर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट विद 2 years डिप्लोमा ऑफ ECG टेक्नीशियन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। ठीक है साथियों, तो 12वीं साइंस, बायो, ठीक है, या फिर मैथ से हो, साथ में 2 साल का आप लोगों का ECG का डिप्लोमा कर रखा हो तो फॉर्म भरा जा सकता है। साथ में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल RPMC का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो इस भर्ती का फॉर्म भरा जा सकता है। एज की मैं बात करूं 18 से लेकर 40 साल रहेगी। ठीक है, जनरल महिला को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC, MBC, EWS, SC, ST महिला को यहां पर जो मिलेगी 10 years की छूट, PH कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट एक्स्ट्रा 18 से 40 के बाद। ठीक है, इसके अलावा जो कैंडिडेट 31 दिसंबर 2020 को ओवर एज नहीं था वो भी यहाँ पर छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये एज यहाँ पर रहने वाली है। मेरिट बेस पे भर्ती होगी, कैसे होगी, मेरिट बेस पर, यानी कि पेपर इसमें भी नहीं होगा। 8 भर्तियाँ और 8ों की 8ों भर्तियाँ चिकित्सा विभाग ने रद्दी के टोकरे के समान जो मेरिट बेसिस होता है उस पर कराने का निर्णय लिया है, जो कि गलत था, लेकिन क्या करें, ये दुर्भाग्य है राजस्थान के लाखों युवाओं का जहां पर वैकेंसीज जो है मेरिट बेसिस पर आ जाती हैं। 8 भर्तियां आप लोग सोच करके देखिए कितना बड़ा खेल यहां पर राजस्थान के युवाओं के साथ किया जा रहा है, जहाँ हर एक भर्ती को, चाहे इसमें ECG टेक्नीशियन वालों ने मांग की हो मेरिट बेसिस की या नहीं की हो, तो भी यहाँ पर दे दिया इसको।
नेत्र सहायक डेंटल टेक्नीशियन का जो था उसको भी दे दिया, उनमें भी किसी ने मांग नहीं की थी कि भर्ती हमारी मेरिट बेसिस पे आओ। चलो एनएम जीएनएम एलटीआरटी का हम मानते हैं कि इन लोगों का एक बड़ा कैडर था, ये लोग मांग कर रहे थे कि मेरिट बेसिस पे भर्तियां करो, लेकिन 5 के अलावा 3 भर्तियां मुफ्त में दी जा रही हैं कि इनको भी हम बोनस पे कराएंगे, ये किस व्यवस्था को जन्म दिया जा रहा है? ये राजस्थान का दुर्भाग्य है, चिकित्सा विभाग का, जहाँ पर एक भी भर्ती लिखित परीक्षा से नहीं होती है। ये दो भर्तियाँ 8-7 जैसे निकली हैं, जैसे तैसे पूरी हों, आगे वक्त बताएगा किस तरीके से भर्तियाँ ये लोग मेरिट बेस पे कराएंगे। तो ये 12वीं साइंस मैथ बायोलॉजी ईसीजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा, आरपीएम सिम रजिस्ट्रेशन 22 जून से फॉर्म, 21 जुलाई तक फॉर्म, 18 से 40 की एज, 18,500 रुपये 2 साल तक मिलेंगे, पे मैट्रिक्स लेवल 8 की वैकेंसी है। तो फिलहाल दोस्तों 22 जून से आप लोग 4 बजे तैयार रहिए इसके विस्तृत नोटिफिकेशन को रीड करने के लिए। और 241 पद हैं मेरिट बेसिस पे हैं जिन्होंने कोविड काल में काम किया, ऐसे जी टेक्नीशियन संविदा कर्मी के रूप में बोनस अंक मिलेंगे, इससे पहले कोई कर रहा था उसको भी बोनस अंक मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, स्थायी भर्ती है। जय हिंद जय भारत, ये जानकारी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जय हिंद जय भारत।